तो गाइज गुड मॉर्निंग, नए ब्लॉग में आप लोग का फिर से वेलकम है। देखो आवाज़ आज भी थोड़ी सी बैठी हुई है, लेकिन कल यार पिक्चर में बहुत मजा आ गया। गदर 2 देखे, और आज का हमारा क्या प्लान है, ओ माई गॉड 2 देखने का। दोनों यार 2-2 यार रिलीज हो गई एक साथ, तो गदर 2 और ओ माई गॉड 2। मेरा तो कल भी मन किया था ना ओ माई गॉड 2 देखने का, लेकिन मेरा क्या सैम बताया था आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में, कल वाला ब्लॉग आप लोग नहीं देखा अभी तक के, अपलोड हो गया तुरंत के तुरंत जाके देखो, यहाँ कहीं ऊपर लिंक आ रही होगी, तत्काल के तत्काल देखना वाला ब्लॉग। और आज वाला ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, अभी निकल रहे हैं तुरंत, सैम को उठाएंगे और विजू को उठाएंगे और निकलेंगे ओ माई गॉड 2 के लिए। तो गाइस हम लोग निकले तो थे सैम के साथ ओ माई गॉड 2 देखने के लिए, लेकिन मेरे चाचा जी, मेरे प्रिय चाचा जो मेरे को गदर, देख रहे हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहे भिखारी, तो फिर हॉर्न। तो गाइस मैं क्या बता रहा था आपको, अभी इसके हॉर्न मारूंगा अभी। हाँ तो मैं क्या बता रहा था गाइस, तो हम लोग निकले तो थे ओ माई गॉड 2 देखने के लिए सैम के साथ और राजू के साथ, विजू के साथ, पर हुआ क्या ना, मेरे चाचा फ़ोन कर दिए मेरे को, कहाँ है, अला पिक्चर देखने जा रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, एक काम है मेरे को, देर से आ जा, बोल रहा हूँ चाचा कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो बता दो, फ़ोन पे कर देंगे। नहीं, मेरे फैक्ट्री आ तुरंत। अब क्या है, चाचा क्या ना गलत टाइम में बहुत मदद करता है, समझ रहे हो ना, जब मेरा पापा हेल्प नहीं करता है, जब हमारा बाप हमारे पिछवाड़े में लात मार के भगा देता है, हम चाचा के शरण में जाते हैं, चाचा थोड़ा सा तो चाचा हमको देता है रोकड़ा, तो इस चक्कर में क्या है ना, मना नहीं कर पा रहा हूँ उनको, वरना तो एक बार में मना कर दिया रहता। ये मेरे चाचा की गाड़ी खड़ी है सेंट्रो, गरीब लोग की गाड़ी सेंट्रो, अमीर लोग की क्रेटा। बहुत अमीर है चाचा, मस्ती कर रहा हूँ आप लोगों से। वो तो क्रेटा खड़ी हो देखो, अमीर लोग की, अमीर लोग हिसाब कर रहे हैं बैठ, अंदर है नहीं, नहीं उधर अंदर है। किधर अंदर, मेरे को डरा दिया अंदर, यही देने के लिए बुलाया होगा मेरे को है मेरे चाचा, अमीर अमीर, ये अमीर होना भी कितना अच्छा होता है ना, अमीर चाचा मेरे। आओ अंकल बैठो। अच्छा मैं बैठ जाता हूँ, आप बताइए क्या माल चाहिए। अमन बाय, कहाँ है विजू, का है कॉल नहीं किया क्या? नहीं कॉल, विजू को मैं कॉल नहीं किया हूँ। कैसा था कल का दिन आपका, घर जाने के बाद गदर देखने के बाद आपने कुछ गदर मचाई घर में अपने? नहीं कुछ गदर, मैं सो गया था। कुछ तो गदर किए होगे रात को, तो कल घर पहुंचा रात को, फिर यहाँ वर्षा मिल गई। वर्षा, वर्षा बोले तो इंग्लिश में बोले तो बारिश, बारिश। हाँ तेरे को बुलाई थी ना कि आओ करके, मेरे को उसकी कोई फ्रेंड फोन की थी सुबह, वर्षा जल्दी आओ बोलती है, जल्दी आओ का मतलब क्या होता है? तो तूने कहा कि पर्दे के पीछे तैयार। अरे पर्दे के पीछे, तेरे दुकान में पर्दा लगा है, मतलब पीछे बैठो, धूप में मत रहो। तो उसको लगा कि पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ करेगा करके। नहीं नहीं भाई पागल है, ये सब काम मैं आज तक नहीं किया। वो मेरे को बोलती है स्टिल वर्जिन। हाँ वो विजू और मैं और शाह उसका दोस्त, चार पांच लोग बैठे हुए थे, तो ऐसे ही विजू जैसे आया ना, तो विजू को बोलती है कल क्या हुआ तुम्हारा, चमचा घुसाने वाले थे पिछवाड़े में, चमचा घुमाने वाले थे पिछवाड़े में, ऐसे बोल रही है। हाँ तो विजू देखा उसकी तरफ। हाँ। मैं बोला आज चमचा घुमाने की जरूरत नहीं है, कल इतना ले लिया है ये कि बिना चमचे की निकल जाएगी इसकी। तो भाई हंसते हंसते ना पेट फूल गया एकदम से, बहुत बकर हो रही थी। अब क्या है ना, लूडो खेलने बैठ गए, तो जैसे वो गोटी मारती, कौन सी गोटी, अरे लूडो में, अच्छा 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 लूडो, तो ऐसे वो फ्लाइंग किस दे रही थी। हैं फ्लाइंग किस दे रही थी। हाँ। और हर बार वो गोटी जो थी ना विज्जू की मर रही थी, विज्जू को फ्लाइंग किस दे रही थी वो। अरे बाप रे, मेरी जान चल रही थी। मैं बोला साला मेरी गोटी क्यों नहीं मार रही है, उसको बोला मेरी भी मार, मेरी भी मार। तो बोलते नहीं, जो सामने आएगा मैं उसकी मारू, जो सामने आएगा उसकी मारूंगा। हाँ, जो सामने आएगा मैं बोला ठीक है। मतलब डेंजर लड़की भाई है। फिर बोलती है कभी कभी पीछे से भी मार लेना चाहिए। मैं अच्छा भाई, अच्छा भाई मैं नहीं आया वहाँ पे भाई, थोड़ा वल्गर हो गया। नहीं 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 छीछी हो। अरे मेरे को एक बार बताओ, आप पूछ रहे हो कि किस में हो, मतलब कार में नहीं रहेंगे तो नहीं चलोगे क्या पिक्चर? एक वीडियो सैम राजू क्या है, एक वीडियो वायरल क्या? कल तो बोला था कि BMW लेके जाओगे तो ही मैं जाऊंगा। हाँ, कल क्या नहीं, मतलब एक वीडियो वायरल हो गया था ऐसा। हाँ। इसकी ज्यादा चौड़ी नहीं हो गई है, किस में हो पूछ रहे? हाँ। किस में हो, मतलब कार में नहीं होंगे, टू व्हीलर में होंगे तो मतलब नहीं चलेगा पिक्चर? इसको आज पिक्चर में जमीन में बैठाएंगे, बता तेरे को। हाँ। दो ही टिकट कटवाएंगे और जमीन में बैठा देंगे। चेयर्स गाइस, चाय। ये आपको बोल रहे राजू भैया को जान रहे हो ना, एक स्नैप ले रहा हूं ना, लो ना लो ना फट से लो। ये गाड़ी लेनी है राजू, मेरे को लग रही ना जहर एकदम। हाँ ये मस्त है, वहाँ पे भी दिखी थी यहाँ पे भी दिख रही है, मतलब ये गाड़ी मेरे दिल को छू गई है, मस्त यार एक नंबर। लेनी पड़ेगी अब लग रहा है। बिल्कुल लेंगे भाई, क्यों नहीं लेंगे, किराए पे। पाँ, पाँ। भाई मैं तो बोलता हूँ कतई जहर है, पी के मर जाते हैं। हाँ
लेकिन ये जो थी ना अभी, इसको क्या बोलते पता देखो, लंडी जीप। यार तुम लोग एक कार ब्लॉग को फुल वायरल कराओ तो कार वार खरीदे ऐसी ओपन वाली, फिर क्या है ना मजा आएगा थोड़ी अति करने में। क्यों तो और देखो बिजू सेठ खड़े सिगरेट, दिन भर सिगरेट पीता है लेकिन ये आदमी। आपका वीडियो 11 मिलियन हो गया क्या? हाँ पूरा, मैं देखा नहीं भैया, पूरा 11 एम आया है। क्या बात कर रहे हो, चलो भैया बधाई हो। अपने को क्या मैटर हो गया ना, देखो बिजू भैया टिकट चल रही है पूरी हाउसफुल, ओ माय गॉड 2 और गदर 2 सब फुल चल रहा है। तो इधर पूरा मैग्नेटो में फुल आया, तो ये क्या बोलता है मेरा एक जुगाड़ है, मैं देख कर आ रहा हूँ। अरे ऐसे कोई भी बोलती बोलती है ना मिलने को, हाँ। सीधा उसको बोल दिया करो 51,000 रुपए लगेगा। ये राजू भैया की फ्रेंड है वो। अच्छा राजू भैया की फ्रेंड है, मैं तो ठीक है चलो इनका 41,000 रुपए बोल दो उसको। राजू के ना तो 41 बोल रहा हूँ, वरना 51,000 फिक्स, 51,000 रुपए फिक्स है भाई पर नाइट। बड़ी पिक्चर है लेकिन भैया वो लड़की बहुत बड़ी पिक्चर है, 1,51,000 हो गया। कल हम लोग यहीं पर आए थे, आज कैसा भयानक टाइप का भीड़ है। मैं आप लोगों को एक बढ़िया बात बता रहा हूँ, इंटरवल हुआ है, इंटरवल तक पिक्चर एक नंबर है। तो सबको पता है अभी तक की तो पिक्चर बहुत अच्छी है, जोड़ों के दर्द का जबरदस्त आयुर्वेदिक। और उससे बढ़िया बात बताता हूँ, कल हम लोग ना इंटरवल में ना 1,000 रुपए का चकना खा गए, कल का वीडियो में देखना। आज हम लोग 100 रुपए का भी नहीं लिए, पैसा खत्म हो गया आज के। अब हम लोग कह रहे हैं हमको समझ नहीं थी कि आज 500 करना था, कल 500 करना था, समझ रहे हैं। ये भाई को लेकर आया हूँ, उधारी मांग रहा हूँ तो ये भी नहीं दे पा रहा है, क्या बोल रहा है मेरा भी बहुत पैसा लग गया इधर उधर। सामने दो तीन लड़कियां बैठी उनसे मांग रहा हूँ तो बोल रही है पुलिस को बुला लूंगी। अरे हम ये कहाँ पहुंच गए, मेरे जिम के बाहर। अरे तो पिक्चर कैसी लगी सबको अपना अपना बताओ यार। सबसे पहले राहुल, ठीक है देखने लायक है, एक बार इसको चाहिए सेक्स एजुकेशन, इसलिए एक बार देखने जा रहे हैं। नहीं मिल रहा है तो राहुल बोल देना, कोई ना कोई मिल जाएगा वीडियो में। हाँ राजू, फिल्म बहुत अच्छी थी और फिल्म के अंदर ये बताया गया है कि अगर आप मुठ मारते हो तो गलत नहीं है, तो बताया है फिल्म के अंदर में। अब तुम फिल्म के बारे में पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ तुमको, तो फिल्म बहुत अच्छी है। हाँ लेकिन फिल्म में यही बताया ना, फिल्म में यही बताया गया है कि अगर आप अपने हाथ से काम चलाते हो तो यही बताया। और जैसे हम पिक्चर के अंदर घुसे तो हमारे सामने दो लड़कियां बाहर निकली, क्या बोलती राजू? वो बोल रही थी कि अरे यार लगता है हम किसी गलत मूवी में आ गए हैं। तो मैंने पूछा अरे तो कौन सी मूवी देखने आए हो, तो उन्होंने कहा कि हम ओ माय गॉड 2 देखने के लिए आए हैं, और ये ओ माय गॉड 2 ही है। वो लोग कह रहे हैं जैसे पिक्चर चालू थे जो जो सीन दिखा दिया ना, हाँ। वो लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए, उनको लगा था कि शायद सनी देओल आएगा करके। हाँ उनको लगा था सनी। किससे आजादी चाहते हैं आप लोग? अगर यहाँ के लोगों को हिंदुस्तान में दोबारा बसने का मौका दे दिया जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, कटोरा लेके जाओगे भीख भी नहीं मिलेगी। जिस टाइप का राजू चिल्लाया ना उसको अब चाहिए सेक्स एजुकेशन। तो और बिजू भैया, हाँ भैया, उसको क्या चाहिए, कौन सी गोली? राजू भैया को चाहिए बिजू की गोली। लो चड्डा समझाओ ना, खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, कोई पहन के ही नहीं आया तो चड्डा का चलाने के लिए जो जिगर चाहिए ना उसी बाजार में नहीं मिलता, वो तो बिजू के पास ही मिलता है। साले जब तेरी शादी नहीं हुई। क्या है ना बिजू भैया, राजू भैया इसकी शादी क्यों नहीं हुई पता, देखो इसको ना बचपन में सेक्स का एजुकेशन नहीं सिखाया। तो ये अभी तक भूल चाहता, ये होता कि तो मेरे पापा धर्मेंद्र के पास चले जाते हैं और तुमको सारा सेक्स का एजुकेशन सिखा देते हो। मेरे पापा 10 निकाल के रखे थे, तुम क्या बात कर रहे हो, मेरे पापा के पास धर्मेंद्र को वो लेने आता था ट्रेनिंग। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, बच्चे और क्या, 10 बच्चे हम लोग भाई। तुम्हारे पापा के पास कोई काम नहीं था क्या? तभी तो माय गॉड बिजू भैया, लेकिन एक रियलिटी बोल रहा हूँ आपको, लेकिन आपको ना वो गुरु मंत्र नहीं देके जा पाए आपके पापा। बिजू भैया की शादी नहीं हुई है, एक बार भी नहीं हुई भैया, एक बार एक बार भी नहीं हुई है, नहीं भैया। तो गाइस पिक्चर ओवरऑल मेरे को तो मजा नहीं आया बिल्कुल भी, पुरानी वाली ओ माय गॉड के सामने 10% भी नहीं है। लेकिन इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी का काम बड़ा अच्छा था और मुझे, अरे भाई पंकज त्रिपाठी बहुत बड़ा एक्टर है भाई, वो कोई भी पिक्चर में काम करेगा वो अच्छा ही करेगा। उनका काम अच्छा, अब तो शाहरुख और सलमान को बोलते काम बेकार है, क्या बात कर रहे हैं बिल्कुल, पिक्चर की स्क्रिप्ट बेकार होती है, उनकी एक्टिंग थोड़ी बेकार हो गया। कल भी जो है ना मेरे को अमरीश पुरी जी की कमी बहुत खली थी, क्योंकि वो होते तो कुछ बात और होती, लेकिन सनी पाजी की तरफ से तो समझो कि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिट मूवी है, और जो 2.5 किलो का हाथ है ना वो आज 10 किलो का लगा, इसकी एक्टिंग फिर निकल गई। 10 तो जाता है बेटा, तू कैमरा देखते है ना, तू साइड ना मार दो, देखो 10 तो जाता है पता, देखो मैं लोटा लेके आ रहा हूँ, 2 मिनट है भी आपके लिए, धोएगा मेरी। चलो घर चला जाए, भूख लग रही है बहुत ज्यादा, एंडीवर भी लूंगा यार मैं, जो गाड़ी दिख रहा है दोपहर को राहुल ओपन जीप देखे हम लोग, लेकिन राहुल भैया
उस गाड़ी को लेना जरूर है, गाड़ी किराए पे ले, हम डिसाइड कर लिया उस गाड़ी को लेने का, गाड़ी लेंगे हम लोग, हाँ गाड़ी लेंगे। बट जा रहा हूँ, चलो बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, चलो गाइस चला जाए। और कल फिर हाजिर होंगे हम एक नई फिल्म के साथ। तो मैं सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले विजू को उसकी गाड़ी के पे उतार दिया, उसके बाद मैं क्या किया, उसके बाद मैं राहुल को छोड़ा, उसके बाद मैं सैम को छोड़ा। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर, भूख लगी यार बहुत ज़्यादा, मम्मी खाना बनाई है। क्या है, जब मैं रायपुर में रहता हूँ ना, 99% मैं ये कोशिश करता हूँ कि मम्मी के हाथ का खाना खाऊँ, क्योंकि देखो यार मैं एकदम ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं अपनी अली के साथ भी घूमता हूँ ना कभी कभी, नाइट स्टे पे इधर उधर निकलता हूँ, ओ सॉरी मेरे लिए तो कोई है ही नहीं। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, जब मैं पढ़ने जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, मम्मी के हाथ से टिफ़िन मंगाता हूँ। एक क्या रहता है ना, फील आता है अब, क्योंकि अभी देखो मैं जा रहा हूँ, परसों मेरी बाहर गुजरात की टिकट बनी हुई है, तो गुजरात जाऊँगा तो बाहर मम्मी के हाथ का कुछ खा नहीं पाऊँगा, पूरा बाहर बाहर का खाना हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे को आते साथ मुंबई जाना है, ये क्या है, बैक टू बैक मेरा ये चलता ही रहता है। वेल आई एम ए फकिंग बिजी मैन, अभी पढ़ रहा हूँ, पढ़ गाइस मेरी दुकान भी आ गई देखो। Guys and guys, रात का बजर एडिट, अरे लोग लड़ रही है आपस में, ये देखे देखे देख, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लड़ो लड़ो मस्त। Guys हम लोग क्या है, प्लान किए कुछ बाहर से खाना खाने का, ढाबे वाला पता नहीं क्या किया, अरे बाप रे छींक दिया यार आदमी, मेरे व्लॉग में आदमी छींक दिया आदमी, तो करी क्या है। अब मैं आप लोग एक बढ़िया बात बता रहा हूँ, बाकी लोग के व्लॉग देखोगे ना, उन लोग सुबह चालू होते रात को खत्म होते, मेरा दोपहर के आसपास चालू होता है, आधी रात को खत्म होता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे कजिन के खाना खाने को, घर क्योंकि बाहर चिकन खाने का मन हो गया आज। ये हमारा चिकन है, पन्नी में हमारा चिकन, तो सुबह मिला ना, क्यों मिल रहा है तू रात को मेरे को। अरे टमटम गेमिंग बैठी है, बाप रे यहाँ पे गेमर्स लोग की मीटअप है क्या, बड़े बड़े गेमिंग खेल रहे हैं भाई ये लोग तो, ये देखो इसके लिए भंगाई। अरे बाप रे गेमिंग सेटअप देखो गाइस टमटम का। गाइस ये हमारा चिकन, ये हमारी बॉटल खाली हो गई है, थोड़ी सी बाकी है, मात्र थोड़ी सी बाकी है, और ये मेरा लास्ट पैक है, ये लास्ट थोड़ा चुतिया टाइप का है, इग्नोर करना इन सब चीजों को, लास्ट पैक। अभी क्या टाइम हो रहा है, 6:30 हो रहा है गाइस। अरे मेरे हाथ से स्लिप हो गई गाइस, ऐसे क्यों देख रहे हो आप लोग, ऐसे क्यों शक्ल बना रहे हैं अमन, बॉटल को नशा चढ़ गया गाइस, बॉटल फिनिश, लास्ट पैक मैं ही बनाया हूँ, कोई था नहीं मेरे टक्कर्स में। हाँ भाई तू बहुत अच्छा दिख रहा है। ये गरीब इतना बड़ा ये कहां मोड़ दिया इसको, खुद को होश नहीं है, चूतिया वापस यूटर्न मार, घर इधर है क्या, पिया मैं हूँ लगी तेरे को है। तो अमन मेरे को घर छोड़ने आ गया, देखो कि मेरे को जैसे घर छोड़ेगा मैं इसकी के लिए खाना भी लाया हूँ, इसकी को खाना खिलाऊंगा और मैं स्वीट्स खाऊंगा। अमन क्या खाऊंगा, स्वीट्स। तो गाइस मैं पहुंच गया हूं मेरी गली में। तो गाइस आज का दिन जो था ओवरऑल, सुबह उठ के सबसे पहले हम गए मूवी, उसके बाद गए हम लोग अपने गलत आप लोग पकड़ नहीं पाए, सुबह उठ के हम गए थे सबसे पहले अपने चाचू के पास प्लॉट के काम के लिए, उसके बाद गए हम मूवी, उसके बाद गए अपने कजिन के साथ थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल। तो ओवरऑल आज का दिन बहुत अच्छा था, आज के व्लॉग में आप लोग को भी मजा ही आएगा ही, जैसे मेरे इंस्टाग्राम में रील्स वायरल कराते हो, एक आधे व्लॉग भी वायरल करा दो थोड़ा पैसा भी आ जाए, और जो ओपन जीव आप लोग देखे थे वो तो मैं लूंगा ही लूंगा आप लोग के पैसों से। तो गाइस यार ब्लॉग को यहाँ पे दी एंड करते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, ऊपर वाले थैंक यू इतना अच्छा दिन बिताने के लिए, और कल वाला ब्लॉग नहीं देखा हो तो तुरंत के तुरंत जाके देख लो, कल एक और नया ब्लॉग आएगा और रील भी रेगुलर बना ही रहूँ, तो आप लोगों को फुल सपोर्ट दिखाना है दबा के, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा स्टार बाबू खेमानी। ओके गाइस गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बहुत ज़्यादा हो गई है अब सोना चाहिए हमको, मेरे को, हमको, आप लोग तो सुबह उठ के देख रहे होगे, बाबू तेरे को सोना चाहिए। ओ हाँ मेरे को तो नींद आ रही है।